और सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा खबर ये है गाइस, तो हमने टाइम किया है आदित्य बिरला हेल्थ कंपनी के साथ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे टाइम बता देता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7:50 और सुबह सुबह ताज़ा खबर ये है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, द हाउस ऑफ डेविड डांस एंड फिटनेस स्टूडियो जो कि हमारा ब्रांड है, तो हमने टाइप किया है आदित्य बिरला हेल्थ कंपनी के साथ। तो इसमें होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स दे देता हूँ। तो 2-3 दिन पहले हम लोग ने फिटनेस वर्कशॉप लिया है, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो जाके कर लो, वहाँ पे मैं स्टोरीज डालते रहता हूँ। जिस दिन मैं ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ उस दिन मैं स्टोरीज डालते रहता हूँ। तो हम आते हैं अभी थोड़े डिटेलिंग में। तो इनका मोटिव ये है कि 3 महीने का कैंप चलाते हैं लोग, और इनके टाइप बहुत बड़े बड़े अच्छे कंपनीज के साथ है। जैसा कि मैंने बोला, इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट करा था, AU स्मॉल फाइनेंस कंपनी के साथ हम लोग ने पहला हमारा फिटनेस वर्कशॉप किया था। और अभी हमारा रोल इसमें क्या है, हमको वहाँ पे जाना होता है एज अ ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर, और थोड़ा सा वार्म अप लेके ना गाइस, थोड़ा वार्म अप और थोड़ा डांस मस्ती के साथ हमको कलेक्ट करना होता है 10,000 जंपिंग, और वो काउंट करने के लिए आदित्य बिरला के वॉलंटियर्स खुद रहते हैं वहाँ पे। हमारा काम बस ये है कि थोड़ा सा ज़ुम्बा लेके डांस मस्ती करके 10,000 जंप्स कलेक्ट करने होते हैं। और ये जो 10,000 जंप जो है, हेल्प करता है किसी को डोनेट करने में। जैसे कि आपने सुना होगा आर्टिफिशियल लेग, तो जो अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि आर्टिफिशियल लेग अगर आप सर्च करते हो आपको ऑलमोस्ट 15-21 लाख रुपीज में मिलता है एक आर्टिफिशियल लेग। तो बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। एंड वी आर रियली प्राउड एंड ब्लेस्ड दैट वी गॉट दिस चांस टू कॉन्ट्रीब्यूट और टू मोटिवेट समवन एल्स। और मैं बस यही चाहता हूँ कि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, कोई हमको देख के, और ब्लॉग में मैं स्पेशली इसके लिए बता रहा हूँ, हमको देख के कोई इंस्पायर हो जाए, और मेरे को ये सब काम करने में बहुत मजा आता है। तो मेरे को 8:15 को घर से निकलना है। आज हम जा रहे हैं HDFC बैंक। तो आज 3 लोकेशन है, मैं जा रहा हूँ अंधेरी के ब्रांच में, मंगेश का वर्कशॉप है थाने वाले HDFC बैंक में, और तीसरा बंदा जो है मोनू मेरा फ्रेंड, उसका डोंबिवली HDFC ब्रांच में है। तो अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो जाता हूँ और फिर मैं आपको वहाँ जाके मिलता हूँ। फिलहाल मैं अंधेरी तो पहुँच गया हूँ, डिवाइन चाइल्ड स्कूल मेरे सामने है। तो अभी मैं थोड़ा लोकेशन को लेके कंफ्यूज हो गया हूँ, या फिर किसी से पूछ लेता हूँ यहाँ पे HDFC बैंक है कहाँ पे, क्योंकि कॉर्पोरेट है ना, बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी है यहाँ पे। तो फिलहाल मैं लोकेशन में तो पहुँच गया हूँ। ट्रेड स्टार बिल्डिंग, मस्त है यहाँ का ग्राउंड यार। ये बाहर पूरा पार्किंग है और ये पूरा वॉकिंग स्ट्रीट है। तो अभी फिलहाल जो वॉलंटियर कर रहा है वो बंदा ऑलरेडी पहुंच चुका है, वो रिसेप्शन में बैठा हुआ है, मैं भी जाता हूँ वहाँ पे, वो ज्वाइन कर लेता हूँ, समझ लेते हैं कि मतलब इधर का कॉन्सेप्ट कैसा है। तो अभी हम लोग ने आईडी तो ले लिया है, बट जो मेन लेडी है वो अभी तो लगाई ही नहीं है, तो हम लोग बस वेट ही कर रहे हैं। और पता नहीं इवेंट कब स्टार्ट होगा, अभी ऑलमोस्ट टाइम कितना होना है, अभी तो ऑलमोस्ट 9:15 हो गया है, और 9 बजे का इवेंट था स्टार्ट होना था, बट अभी तक हुआ नहीं। बट एनीवेज देखते कब स्टार्ट होता है, और जितना भी रिकॉर्ड कर पाऊँगा रिकॉर्ड करूँगा और आप लोगों को जरूर बताऊँगा। तो फाइनली अभी हमारा फिटनेस वर्कशॉप ख़त्म हो गया और मंगेश भी वहाँ से निकल चुका है, मोनू आई थिंक उधर अभी तलक है, बट अभी टाइम हो रहा है 12
और अभी मैं घर जाता हूँ क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करके आया नहीं था। जाके ब्रेकफास्ट करके फिर मैं शायद से थोड़ा सो जाऊंगा, फिर मेरा 4 o'clock से लेके 8 o'clock तक का आज क्लास है। तो अभी हम पहुँच गए घर, अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फटाफट से और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, सो जाता हूँ। सॉरी, जैसे कि मैंने आपको बताया 4 बजे का क्लास है मेरा, वो भी ख़त्म करना है, फिर वहाँ से BKC है, फिर BKC से घर आना है। अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो मैं रिकॉर्ड करता रहूँगा, नहीं होता है तो कल मिलता है डायरेक्ट। तो आपको मैं मिलता हूँ ब्रेक के बाद। 6 day and good morning, actually good morning नहीं, good afternoon हो रहा है। अभी time हो रहा है 12:30 आसपास हो गया है और फिलहाल मैं अभी विष्णु के घर पे हूँ। और एक्चुअली कल रात को ही मैं आ गया था यहाँ पे और सोचा व्लॉग कर लूँ, बट थोड़े कुछ बातचीत करनी थी तो इसके लिए करते करते ऐसे ही सो गए हम। तो अभी जस्ट उठे, तुम विष्णु के मॉम डैड गाँव गए तो इसके लिए हम लोग ने सोचा थोड़ा नाइट स्टे कर लेते हैं यहाँ पे। ऐसा अभी फिलहाल बहुत कम टाइम मिलता है हम लोग को नाइट स्टे करने के लिए क्योंकि सब अपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए। अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया, अभी हम लोग कर रहे ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो अभी ब्रेकफास्ट में क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेचारा विष्णु इतना मेहनत कर रहा है ना, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है। ये बेचारे सुबह सुबह जाकर लेकर आया है मेरे, मैं तो अंडा और ब्रेड खाऊंगा, वो मैगी बना रहा है कुछ। तो आ जाओ बताते हैं, वो चॉपिंग भी कर रहा है, मैं तो देख के हैरान हूँ। कितने साल के बाद चॉप कर रहा है? ओके, तो गाइस मंगेश भी यहाँ पे मेरे साथ। तो 10 दिन पहले मैं इसके घर आया था तो मुझे एकदम घर लग रहा था ये, बट देखो ये हालत है घर की। 2 दिन, ये खाली 2 दिन में हुआ है गाइस। और एक्चुअली इसके घर पे थोड़ा प्रेस कंट्रोल भी हुआ है तो फिर सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। तो एनीवेज भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है तो जाके ब्रेकफास्ट बना लेते हैं अभी, और फिर स्टूडियो भी जाना है। तो अभी हम तीनों किचन में आ गए और ये विष्णु ने बहुत अच्छे तरीके से काटा है, थोड़ा टाइम लिया है उसने। अभी हम ये थोड़ा धो लेते हैं तो आओ दिखा दे कि बैचलर्स ब्रेकफास्ट कैसे बनाते हैं। अभी एक हिसाब से हम बैचलर्स ही हो गए। अभी हमने प्लान किया है ब्रेकफास्ट के बाद हम गोला खाएंगे, गर्मी का सीजन है तो गोला खाना बनता ही है। आमरस के साथ गोला खाएंगे। आमरस के साथ गोला खाएंगे पहली बार। वेट करो हम ब्रेकफास्ट बना लेते फिर हम बताते हैं कि गोले के साथ आमरस कैसे बना रहे। अभी मैं नीचे आया हूँ और फ्रिज खोल के देखा तो आम ही नहीं था वहाँ पे। तो अभी मन हो गया है आमरस और गोला खाने का, तो अभी मैं जा रहा हूँ आम लेने के लिए। इसके बिल्डिंग के नीचे एक भी आम का शॉप नहीं है तो मेरे को अभी जाना पड़ेगा मार्केट और वहाँ से आम लेना पड़ेगा। अरे आम तो यहीं मिल गया यार। चाचा ये आम कैसे दिए? 120 रुपए किलो। किलो तो नहीं चाहिए, खाली आमरस बनाना अभी थोड़ा सा, तो उसके लिए 2-3 चाहिए। अच्छा मैं मार्केट जा रहा था, मैं आप दिख गए मेरे को। आमरस बनाना है, आमरस बनाना अब भी बनाना है। अच्छा, तो थोड़ा अच्छे से दे दो। एकदम अच्छा ही देता है। ज्यादा ही हो गया से। तो थोड़ा एक छोटा दे दो ना। कोई बात नहीं है, ले जाओ। एकदम बढ़िया माल दिया तू। भैया आपको जीपे कर दूं, 100 दे दोगे? मेरे पास है नहीं यार। नहीं है? ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। तो फिलहाल जो जो लगता है वो तो मैंने ले लिया है। तो फिलहाल मैंने लिया आम, ब्रेड और दूध आमरस के लिए। और ब्रेड इसके लिए क्योंकि एक ब्रेड लाया था विष्णु ने, बट वो कम पड़ेगा क्योंकि एक पैकेट ब्रेड तो मैं ही खा लेता हूँ, तो इसके लिए आधा पैकेट थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया कि हम पेट भर के खा सके। ले भाई आम, ब्रेड। आंटी अगर आप ये व्लॉग देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ओके, तो जैसे भी ब्रेकफास्ट बन जाता है फिर खाने से पहले आपसे मिलते हैं। मैगी दिखा भाई, यूनिक मैगी है। सर मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा था कि आप बहुत बढ़िया मैगी बनाते हो, आपका नाम क्या है? मतलब कोई भी जाके किधर भी किसी का भी नाम पूछता था यार, मतलब। चलो एनीवेज गाइस हम मिलते हैं आपसे। विष्णु कर रहा है अपने मैगी का तैयारी और मंगेश कर रहा है ब्रेड फ्राई। हम अच्छे से खा पाए अंडा ब्रेड।
अभी विष्णु तो गए बर्फ लाने के लिए, तब तक हम लोग ये रेडी करके रख देते हैं। फिर जैसे ही रेडी हो जाता है सब कुछ, उसके बाद में मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए बने रहिए और थोड़ा लाइक कर देना, ठीक है? चलो सी। तो विष्णु अभी बर्फ लेके आ गया है और डीप फ्रीज में भी हमने स्टोर कर दिया है। अब हो रहा है इधर गोले का सेटअप। तो अभी विष्णु हमको डेमो दिखाने जा रहा है। भाई मस्त है ना मशीन ये भाई, इधर से आलू डालेगा इधर से सोना निकलेगा। क्या बोला तूने? ये भाई इधर से आलू डालेगा इधर से सोना निकलेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बॉय। तो ये तो बस डेमो था। और एक चीज बताना भूल गया मैं, हमारे पास लकड़ी था नहीं तो हमने किया स्पून का इंतजाम। वापिस रिटेक, 1 2 3 एंटर। चलो भाई लोग रेडी हो गए, अपना आमरस बोला आ जाओ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो हो गया हमारा आमरस और गोला रेडी। फीलिंग आ रही एकदम मजा आ रहा, मस्त वाला फीलिंग आ रहा। तो मस्त आमरस और गोला खा के हम लोग एक्चुअली सो गए थे। तो अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 4:39। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो पता आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हम्बल, स्टे स्ट्रॉन्ग। ये बता दूं उसके मॉम डैड गए गाँव, तो इस बच्चे का आवाज कर रहे हैं। जब वो आएगा टुकड़ा होके बर्फ, तब हम हमका तब हमको।